करके अमेरिका में यहाँ मूव कर रहे हैं हम लोग, अपना होम यहाँ से दूसरे टाउन जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे बाकायदा ट्रक हायर किया जाता है, किराया भी रह जाता है। ये बेटा मेरा जो है ट्रक लाया है यहाँ, अब ये खुद ड्राइव करेगा। ये रेंट पे ट्रक मिलता है, बाहर खड़ा करके देखें, ये रेंट पे ट्रक लिया है और इसमें सारा सामान हम लोड करेंगे। इसमें डबल बटैक्स ये ट्रक है, यहाँ देखिए ये ट्रक लाया है मेरा बेटा, ये दानिल मेरा बेटा, इनका दोस्त भी साथ है यूसुफ, ये अमेरिका में होते हैं। दानियल तो चला के लाया है, तो उसने ट्रक में मजा है चलाने में। सामान लोड करेंगे हम, यहाँ से शिफ्ट कर रहे हाउस को। ये हेल्डन टाउन है, अब यहाँ से शिफ्ट करके बोनटोन टाउन जाएंगे न्यू जर्सी में। बेसमेंट में भी बहुत ज्यादा सामान है, काफी सामान बेसमेंट में मौजूद है। काफी ज्यादा स्पेस है, ये टू फैमिली हाउस है। यहाँ पे दो फैमिली है, ये रहती है। बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर रहते दो फैमिली। यहाँ 1500 से $2000 पर मंथ रेंट है यहाँ पे अमेरिका में, न्यू जर्सी में। इस वक्त 1500 से $2000 तक का रेंट है पर फैमिली का। यहाँ टू फैमिली का है ये। ये गार्बेज में डालना है, बेटे का है यार, रिपेयरिंग चूंकि नहीं होती, थोड़ा सा फॉल्ट है।
तो काफी स्पेस है, देखिए काफी सामान आ सकता है यहाँ पे अभी तो। ये ट्रक जो है रेंट पे यहाँ मिल जाता है, खुद ही आप ड्राइव करें। अमेरिका में लेबर जो है खुद नहीं मिलती, यहाँ आपको खुद ही ले जाना होता है, सामान खुद चलाना होता है, शिफ्ट खुद करना होता है, अपनी जॉब ऑफ करके ये काम करना होता है, ट्रक हायर करना होता है। क्योंकि अगर आप लेबर को यहाँ पे हायर करेंगे सामान के लिए तो $15 पर आवर ये लेगा। इसलिए यहाँ सारे काम जो भी यहाँ होता है खुद अपने हाथों से करने पड़ते हैं। हमारे दोनों बेटे और इनके दोस्त जो है ये काम कर रहे हैं सारा, इनके दोस्त भी आए हुए हैं क्योंकि सैटरडे का दिन है, ऑफ है सबका। नबील ट्रक ड्राइव कर रहा है, देखो नहीं वो गाड़ी निकल रही ना, इसलिए ट्रक को पीछे कर रहे हैं। अपने नबील कर रहे हैं ट्रक को, अपने नबील कर रहे हैं नबील। हाँ वो तो चले गए, पीछे कर दिया। तो सब उठाने पड़ेंगे, काफी गिरे बहुत सारा। काफी सामान माशाल्लाह लोड हो चुका है और लोड हो रहा है। बेसमेंट का यहाँ से भी सामान निकालते हैं हम लोग, यहाँ से भी निकल रहा है।